अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन कल स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप की, ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। तो इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का आज सेकंड पार्ट जो है वो अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। कल अपन ने देखी थी जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी इसका प्रिंसिपल किस प्रकार से ये वर्क करता है, एंड थर्ड वन इसके पार्ट एंड स्ट्रक्चर। लास्ट लेसन में भी आपको बताया था कि जो इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप होता है इस जस्ट लाइक सिमिलर टू फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इट मींस किसकी जैसे वर्क करता है, ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की जैसे वर्क करता है। सिर्फ इसमें चेंज क्या होता है कि ये पोलराइजिंग फिल्टर और ये जो वेजिटल प्रिज्म होता है, या जिसको अपन एक कंबाइंड रूप से कैल्साइट प्लेट भी बोलते हैं, ये इसके अंदर लगी हुई होती है। इसके मैकेनिज्म, इसके प्रिंसिपल में अपन ने पहले भी देखा था कि क्या होंगी, दो समान कालांतर की लाइट होंगी जो कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो जाएंगी और वहां से कोई थर्ड रेज का डेवलपमेंट कर लेंगी। ये जो थर्ड रेज होगी ये किसकी स्टडी के लिए काम आएगी, जो स्पेसिमेन है उसकी स्टडी के लिए काम आएगी। कॉन्ट्रास्ट मीडियम इसमें भी डेवलप होगा और कॉन्ट्रास्ट मीडियम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में भी डेवलप होता है, ठीक है। तो अपन ने कल इसके पार्ट्स और इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी, बाकी सारे पार्ट्स सेम थे, सिर्फ पोलराइजिंग जो फिल्टर है, ठीक है, ये इसके अंदर अलग से लगा हुआ था, पोलराइजिंग फिल्टर और वेस्टर्न प्रिज्म, ठीक है। तो इन दो की बस तो अलग से लिखा दे तो काम चल जाएगा, बाकी अपन एक बार सभी की दोबारा से इसमें थोड़ी लिखा देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, और आज का जो टॉपिक है स्पेशली उस पर अपन चालू करेंगे मैकेनिज्म, लाइट डायग्राम या इमेज प्रोडक्शन और एप्लीकेशन और उसका डिसएडवांटेज, एक बार देख लो इसको। तो इसमें जो फर्स्ट वन है इस पार्ट के अंदर, पहले इस पार्ट की स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है लाइट सोर्स, सेम वही फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वाला है, लिख लेना इसके अंदर। यह लाइट को इमिट या उत्सर्जित करने वाला उपकरण होता है, इसके द्वारा विजुअल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। इसमें विजुअल लाइट के लैम्डा 5500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह लैम्प सनलाइट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला इमेज, यह एंगुलर डायफ्राम या फेज रिंग से पहले लगा होता है। नंबर दो, एनुलर डायफ्राम या फेज रिंग, जिसे फेज रिंग भी कहते हैं, यह अर्धचंद्राकार प्रकार की संरचना होती है जिसके माध्यम से फेज को डेवलप किया जाता है। यह सामान्यतः कंडेंसर में उपस्थित होती है। यह फोकल लेंथ पर फोकस होती है। इसका मुख्य कार्य लाइट को संकीर्ण पुंज से उद्दीपित कर इमिट कर गुजारना होता है। इस प्रकार लाइट संकीर्ण पुंज में से गुजरती है एवं बाकी पुंज, जो फॉल्ट था ना लाइट का, जो फॉल्ट था उसकी बात कर रहे हैं, पुंज का मतलब, को अवशोषित कर लिया जाता है। इससे फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है जिसकी सहायता से कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस को उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड, पोलराइजिंग फिल्टर, एनुलर डायफ्राम के द्वारा आने वाली लाइट को पोलराइजिंग फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया जाता है।
यह फिल्टर आने वाली लाइट के एंगल में परिवर्तन कर उसे 45 डिग्री पर चेंज कर देता है, जिससे लाइट प्रिज्म तक आसानी से पहुंच जाती है। अगला नंबर 4, वेलस्टोन प्रिज्म। पोलराइजिंग फिल्टर से आने वाली लाइट ए एवं बी, कोई भी दो लाइट मान रहे हैं अपन यहां पे, ए एवं बी जब प्रिज्म पर आपतित होती हैं या इंस्टेंट होती हैं आना, तो तीसरी रेज सी डेवलप होती है, सी डेवलप होती है, जिससे एक कॉन्ट्रास्ट का डेवलपमेंट होता है। अगला कंडेंसर। यह लेंस सिस्टम होता है, इसका मुख्य कार्य लाइट रेज को कलेक्ट कर फोकस करना होता है। यह लाइट के एब्जॉर्बेशन, अवशोषण एवं इमिसिशन का कार्य भी करता है। एवं लैम्डा के मान में भी परिवर्तन करता है, जिससे लाइट फोकस होकर ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। अगला है ऑब्जेक्ट। स्पेसिमेन या कोई सैंपल को कंडेंसर के ऊपर स्टेज पर रखा जाता है। कंडेंसर द्वारा फोकस पर जाने वाली रेज स्पेसिमेन को इल्यूमिनेशन या उद्दीपन का कार्य करती है। स्पेसिमेन या सैंपल के अवयव की मोटाई अलग अलग होने के कारण फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अगला नंबर 7, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे ऑब्जेक्ट रिंग भी कहते हैं। यह भी लेंस सिस्टम होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थित होता है। यह ऑब्जेक्ट की इमेज को आवर्धित करता है, बनाने का कार्य आवर्धित करता है। अगला एनुअल प्लेट। इसे फेज प्लेट या डिस्प्ले अपर्चर भी कहते हैं। यह डेवलप हुए कॉन्ट्रास्ट की स्टडी करके इमेज को क्लियर करती है, जिससे इमेज को देखा जा सके, इमेज को देखा जा सके। अगला आईपीस। इसका मुख्य कार्य आवर्धित हुई इमेज को प्रदर्शित करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। इसके नीचे एक नोट लगा के लिख लेना। पोलराइजिंग फिल्टर एवं वेलस्टोन प्रिज्म कैल्साइट प्लेट में सैचुरेटेड होते हैं या लगे हुए होते हैं, लगे हुए
होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी पार्ट्स थे इन सब पार्ट्स का क्या था, डिस्क्रिप्शन था कि ये जो पार्ट्स हैं ये इनके जो इंडिविजुअल वर्क हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, देख लो इसको, इसके बाद सेकंड टॉपिक चालू करेंगे इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे कार्य करता है या इमेज प्रोडक्शन। ठीक है, उतार दो इसको।